वेलकम बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कितना सीखा, पेज नंबर 56, कलरव कक्षा 1, पेज नंबर 56, कितना सीखा। चलिए हल करते हैं। पहला है शब्द बनाओ और लिखो। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे इसने कुछ शब्द बनाए हुए हैं, जैसे धू ना, देखिए यहाँ पे धुन, फिर दी ना दिन, ये बना रखा है इन्होंने। आगे हम बनाएंगे, देखिए धा ना धन, तो हम यहाँ पे बना देते हैं धा ना धन। अगला हम बनाएंगे मा ना मन, मा ना मन। फिर देखिए धा ना धान, तो अगला हम क्या बनाएंगे धा ना धान। नेक्स्ट कौन कौन, तो हम बनाएंगे शब्द कौन कौन। अगला बी ना बीन, तो अगला हम क्या बना देंगे बी और ना बीन। फिर जा ना जन, तो अगला हम क्या बनाएंगे जा और ना जन। अगला शब्द देखिए बच्चों, प्रश्न जोड़ो घटाओ और लिखो। तीन और चार जोड़ना है हमें, तो हम कैसे जोड़ेंगे, देखिए एक दो तीन लाइन, फिर एक दो तीन चार लाइन, कितनी हो गई एक दो तीन चार पाँच छः सात, तो कितना आ गया हमारा उत्तर सात। नेक्स्ट देखिए छः और दो को जोड़ना है हमें, तो हम फिर से खींचेंगे एक दो तीन चार पाँच छः लाइन और एक और दो, कुल कितने हो गए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, कुल हो गई हमारी आठ लाइन। फिर दो और पाँच, तो एक दो, फिर एक दो तीन चार पाँच, गिनिए एक दो तीन चार पाँच छः सात, कितनी लाइन हो गई सात। अगला हमें घटाना करना है बच्चों, देखिए पाँच में से तीन घटाना है, तो हम पहले पाँच लाइन खींच लेंगे और उसमें में से तीन लाइन को काट देंगे, हमारे पास कितनी लाइन्स बची एक और दो, तो कितनी बची दो। अगला देखिए नौ में से हमें चार घटाना है, तो नौ लाइन खींचिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, इसमें से चार लाइन को आप काट दीजिए, कितनी बची एक दो तीन चार पाँच, तो हमारा उत्तर कितना आ गया पाँच। अगला देखिए नौ में से छः घटाएंगे, तो नौ लाइन फिर से खींचिए एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, इसमें से छः लाइन को आप काट दीजिए, तो कितनी बची लाइंस एक दो तीन, तो नौ में से छः गया तीन। फिर कह रहा है बताओ बतख और चूजा कहानी में से किसे अच्छा दोस्त कहोगे और क्यों, यानी जो हमारी बतख और चूजे वाली कहानी थी पाठ नौ, उसमें कह रहा है कि किसे अच्छा दोस्त कहोगे और किसे क्यों। तो आपने देखा था कि बतख के बच्चे ने डूबते हुए चूजे को पानी से बाहर निकाला, तो बतख के बच्चे को हम अच्छा दोस्त कहेंगे, क्यों, क्योंकि उसने चूजे की जान बचाई। खा पूछ रहा है अपनी रसोई में पकाकर खाई जाने वाली पांच चीज़ों के नाम लिखिए, तो अपनी रसोई में पकाकर खाई जाने वाली रोटी दाल चावल पूरी हलवा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि जल हमारे किस किस काम आता है, तो जल हमारे किस किस काम आता है बताइए बच्चों, वेरी गुड, कपड़े धोने के लिए, खाना बनाने के लिए, पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, ठीक है। अपने आसपास पाए जाने वाले तीन तीन फलों फूलों तथा सब्जियों के नाम लिखिए, क्या कह रहा है, अपने आसपास पाए जाने वाले
तीन तीन फलों, फूलों तथा सब्जियों के नाम लिखिए। तो तीन फल कौन से होंगे? आम, अमरूद, केला। फूल, गुलाब, गेंदा, गुड़हल। सब्जियां, आलू, मटर, टमाटर। सैर करने कौन कौन से दोस्त गए? तो हमारा पाठ है ना सैर सपाटा, पाठ 10, उसमें कौन कौन सैर करने गया था? तो गेंद, छाता और डिब्बा तीनों घूमने गए थे, तीनों दोस्त थे। उसके बाद उन्हें क्या मिला? उसके बाद उन्हें खरगोश मिला, फिर सितारा मिला। ठीक, तो ये सब हम दोस्त जो हैं वो घूमने गए थे। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे कि गेंद, छाता और डिब्बा तीन दोस्त घूमने गए थे। फिर कह रहा है बतख और चूजा कहानी से छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा के दो शब्द ढूंढ कर लिखो। यानी बतख और चूजा जो हमारी पाठ 9 था उसमें में से बड़े ऊ की मात्रा तथा छोटे ऊ की मात्रा वाले दो दो शब्द ढूंढ के लिखना है। तो सबसे पहले छोटे ऊ की मात्रा के शब्द लिख लेते हैं। तो छोटे ऊ की मात्रा का जो पहला शब्द हमारा उसमें था वो है बच्चों देखिए मुर्गी। क्या है? मुर्गी। और दूसरा छोटा ऊ की मात्रा का शब्द जो हमारे पाठ में है उसे हम लिखेंगे देखिए केचुआ। ये दो शब्द हैं जो छोटे ऊ की मात्रा के हमारे पाठ में आए हैं। अब हम बड़े ऊ की मात्रा के लिखेंगे। तो बड़े ऊ की मात्रा का सबसे पहला शब्द जो आया है वो है चूजा, और दूसरा शब्द जो आया है वो है डूबता, डूबते, है ना। देखिए पाठ में आया हुआ डूबते, चूजा और डूबते, ये बड़ा ऊ की मात्रा के दो शब्द हैं जो बत्तख और चूजा की कहानी में आए हुए हैं। बच्चों अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यहाँ पर मैं एक प्लेलिस्ट लगा रही हूँ जिसमें आप कक्षा 1 के सभी पाठों को देख सकते हैं। इसमें आपको हिंदी, गणित, अंग्रेजी, यहाँ तक कि संस्कृत के भी संपूर्ण पाठों के वीडियो मिलेंगे। तो जाइए और फटाफट से पढ़िए। बाय बाय बच्चों।